नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत न्यूज लाइव में। मैं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। तो एक बार फिर से बीजेपी जो है अपना परचम फहराने लहराने जा रही है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो पूरा जो स्टेट्स है वो लगातार अब भगवा जो गेरुआ रंग है हर किसी पे चढ़ने वाला है। ऐसे में जो है रुझान के साथ जो अब जो क्लियर पिक्चर है वो यही है कि अब एनडीए यानी नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर से देश ने उनको अपना नेता चुना है। मैं इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद हूं और अमर जवान ज्योति के मैं बाहर खड़ी हूं। और यहां पर जितनी जनता है बहुत ज्यादा उत्साह में है, खुशी मना रही है क्योंकि उनका नेता यानी नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जो अपना वादा किया था कि वो फिर से चुनाव जीतकर जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। आज मुझे बहुत खुशी है, आज मैं छुट्टी पर हूं और मोदी जी की जीत की बधाई है मुझे। मैं उनको बधाई देता हूं जीत की, और मेरा पूरा परिवार है, हम सारे आए खुशी मनाने आए हैं। सारी खुशी मना रहे हैं, मोदी आना चाहिए, आ गए मोदी साहब, आ गए ना, सही है, तो बढ़िया है। मतलब भारी वोटों से जीत रहे हैं, अब जो अगला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इस बात के लिए कि यहाँ हमारा जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। और मैं जीत के नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हमारी पूरी फैमिली नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करती थी, हमने सबने वोट बीजेपी को ही दिया था। बिल्कुल, पूरे परिवार ने बीजेपी को वोट दिया, सपोर्ट भी उन्हें करते। कुछ लोग झारखंड से भी यहाँ पर आए, आप झारखंड से आए, आज बीजेपी ने एक बार फिर से जो है अपना परचम लहराने जा रही है। मैं मोदी जी के साथ हूँ और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छे काम की है और देश में ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो कि अपने दुश्मन और बगल वाले देशों को जवाब दे सके, यही मेरे कहना शुभकामना। लेकिन ये भी सवाल है, जो वादे करते आए हैं, जो वादे हो रहे हैं वो पूरे होंगे इस बार? होंगे, बिल्कुल होंगे, और इससे बढ़िया होंगे वादे जो इन्होंने करे हैं, उससे ज्यादा बेहतर अच्छा होगा। हमें खुशी है कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा शपथ लेंगे 3 दिन बाद रविवार को। और राहुल गांधी भी अब काफी कांग्रेस में जो है काफी निराशा की लहर है, चल मची हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, बहुत ज्यादा निराश होंगे राहुल गांधी। उनको आज दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी जो है वो कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए और बहुत अच्छा होगा आगे जाके। आप क्या कहेंगे सरकार बनने जा रही है बीजेपी की फिर से? बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री आए हैं और हमने तो पूरा सपोर्ट किया मोदी जी को और हमेशा करते रहेंगे क्योंकि मोदी जैसा अभी हमें कोई मिला नहीं। कहाँ से हैं? मैं बस्ती, बस्ती यूपी में। यूपी में भी भगवा रंग चढ़ गया सबको, योगी जी ने एकदम छा गए हैं, योगी जी मोदी जी हर जगह जो है भगवा रंग लहरा रहा है। क्या कहेंगे आप, मोदी सरकार एक बार फिर से जो है नंबर वन पर है? हम तो बहुत खुश हैं और हम ये चाह भी रहे थे कि भाई हमारे नेता जो देश को हाई ऊंचाई पर ले जाए और हमें उम्मीद थी नरेंद्र मोदी से जी कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और वही प्रदर्शन आज देश के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे जाके देश के अंदर बहुत तरक्की आएगी और नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बहुत कुछ ले जाएंगे। अच्छा, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो है जोश बहुत हाई है, मतलब आप लोगों का जो है खुशी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत एक्साइटमेंट है और यही उम्मीद थी हमें कि भाई सभी लोग नरेंद्र मोदी को जिताएंगे और इस यहाँ तक लेकर आएंगे कि मोदी 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 मोदी। क्या कहते हैं, मोदी सरकार फिर से आ रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं यही कहूंगी हर हर मोदी और घर घर मोदी। तो आप कहाँ से हैं? मैं तो वैसे बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार में भी भगवा ही रंग सब पे चढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत खुश है हम कि मोदी सरकार आई है, इस बार भी अच्छा ही होगा जो भी होगा। मतलब आप सब चौकीदार को सपोर्ट कर रहे हैं? आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ और राजस्थान में जिस तरह बीजेपी को 25 out of 25 मिला है तो कहीं ना कहीं मोदी जी का विजन साकार हुआ है, चाहे वो सीमाओं का मुद्दा हो या कोई भी डिप्लोमेटिक पॉलिसी हो, मोदी जी ने हर क्षेत्र में बेटर किया है। इसलिए मोदी जी को क्या एनडीए को पूरे को पूरा मैंडेट मिला है, जबरदस्त मैंडेट मिला है। क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे मोदी सरकार हमेशा बरकरार रहे और सरकार चलती रहे, ऐसे ही गाँव में हर संस्था में हर चीज में मोदी सरकार का हम लोग नाम लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 80 सीटें थी जिसमें 56 सीट लाई है। हर हर मोदी। चलिए, इधर आप एनडीए की जीत रहे लेकिन कांग्रेस की हार का कारण क्या हो सकता है जो लगातार गठबंधन जो मायावती
अखिलेश यादव और इनकी राजनीति जो भांस रखे थे कि तीन मिलकर हम अपनी सरकार बहुमत बना लेंगे, वो चल नहीं पाया उनकी, क्योंकि हर लहर में मोदी जी बच्चा बच्चा भाई मोदी जी करते थे। तो अभी नारे बंद क्यों हो गए मोदी जी के? फिर अभी आप लोग चुप हो गए, डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं सब बताइए क्या नहीं, 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 मोदी जी हर हर मोदी हर हर मोदी 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 पार्टी के हिसाब से चुनाव जीता गया है, कैंडिडेट बेसिस पे नहीं जीता गया है। कैंडिडेट तो जिनको जिनको टिकट मिली, जैसे दिल्ली में सातों सीट ले ली, बीजेपी की कोई उम्मीद नहीं थी सातों सीट लेने के लिए, लेकिन सातों सीट ले ली उन्होंने बीजेपी ने। कांग्रेस के भी सीट नहीं मिली यहाँ से, लेकिन सबको प्रचार है कि मोदी जी रहेंगे और सरकार बढ़िया चलेगी। आप कहाँ से आई है? आप कहाँ से आई है? झारखंड से। हाँ जी, भगवा रंग चढ़ गया वहाँ पे भी। हाँ, और ये हम कहना चाहते हैं कि हम लोग झारखंड में महिलाओं को बाहर निकलने में नहीं मिलता था, जब से मोदी हुए तब से हम लोग महिलाएं और घर परिवार कोई भी हस्बैंड भी नहीं डांटते हैं, हम लोग फ्री हो गए। महिला तो क्या किया मोदी ने? हम लोग महिला समूह में जुड़ के और हम लोग को रोजगार दे रही है, महिला समूह को ये लोन दिला के हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिसके कारण हम खुश हैं कि मोदी आगे बढ़े और हमको भी आगे बढ़े। मोदी सरकार जिंदाबाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी बिल्कुल आ रहे हैं इस बार फिर से, बिल्कुल अच्छी बात है वो आ रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, नहीं राहुल गांधी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा जितना मोदी ने कर दिया। क्या करा मोदी ने? बहुत कुछ करा गांव में, मतलब अपनी बिजली भी पहुंचाई, सड़क बनवाई और सिलेंडर लगवाया, इतना राहुल ने तो 50 सालों में नहीं करा। राहुल गांधी हमारे घर के पास है हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल, उसकी कभी रोड नहीं बनी थी, अब जब से मोदी आया उसमें रोड बनी है। कहाँ से आप? हम नोएडा से आए हैं। नोएडा से आए हैं घूमने आए हैं। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है लोगों का जोश बहुत हाई है, लगातार यहाँ आए। आप लोग भी आए मोदी का जश्न मनाने? श्योर। कहाँ से आए आप लोग? मुंबई से। मुंबई से, मतलब महाराष्ट्र में भी चढ़ गया भगवा रंग? यस यस ऑफ कोर्स, 25 में से 23 सीट्स मिल गई बीजेपी को, और उनका जो अलायंस है शिवसेना उनको 20 में से 19 सीट्स मिल गई। तो मोदी की जो फॉरेन पॉलिसीज है उस वजह से, फॉरेन पॉलिसीज अगेंस्ट पाकिस्तान हो, चाइना हो, US हो, आज दुनिया का सारा कंट्रीज हमारा फ्रेंडली रिलेशन हो गया हमारा उनके साथ में। सो ये सब राहुल गांधी और उनके लेवल की बात ही नहीं है, मोदी तो बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब उस कंपैरिजन ही नहीं है, मोदी के अगेंस्ट कोई है ही नहीं, मतलब कोई अगेंस्ट नहीं है, कोई भी अगेंस्ट नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, पूरे हर एक भारतवासी की जीत है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट सुपुरी भाजपा के साथ आई है, और इसका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नमो नमो मोदी, हर घर मोदी। चलिए, अब दिल्ली के ये इंडिया गेट पे मैं हूँ और अमर जवान ज्योति और आमोमन इंडिया गेट पे जो है, दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के पूरे, दिल्ली के बाहर से लोग आते हैं। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र से, झारखंड से, कर्नाटक से, हरियाणा से सब यहाँ आ रहे हैं, मोदी के जो भक्त है, मोदी फैन है, हर जगह जो है मोदी मय हो रखा, और जनता में जो है खुशी की लहर है, क्योंकि उनका यही मानना है हर हर मोदी घर घर मोदी। तो अब जो है लगातार हम आपको सुबह से अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए और ताजा तरीन खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए लोकमत न्यूज हिंदी।